स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है सेंट्रल ऑर्बिट्स। देखिए, सेंट्रल ऑर्बिट्स में हम कुछ डेफिनेशन समझते हैं, जैसे कि सेंट्रल फोर्स। ए फोर्स विच इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स ए फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सेंट्रल फोर्स। द फिक्स्ड पॉइंट ओ इज कॉल्ड सेंटर ऑफ फोर्स। यानी एक फोर्स ऐसा फोर्स जिसकी डायरेक्शन ऑलवेज फिक्स्ड पॉइंट की और होती है, वो फिक्स पॉइंट ओ है। ऐसे फोर्स के लिए हम कहते हैं सेंट्रल फोर्स, और जो फिक्स्ड पॉइंट होता है उसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ फोर्स, फोर्स का सेंटर। देखिए, सेंट्रल ऑर्बिट जो कि चैप्टर का नेम है, तो सेंट्रल ऑर्बिट होती क्या है। द पथ डिस्क्राइब्ड बाय द पार्टिकल मूविंग अलोंग ए प्लेन कर्व अंडर ए सेंट्रल फोर्स इस कॉल्ड सेंट्रल ऑर्बिट। यानी सेंट्रल ऑर्बिट है क्या, एक ऐसा पथ है जो कि डिस्क्राइब्ड होता है उस पार्टिकल के द्वारा जो कि मूव करता है अंडर ए सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स के अंतर्गत वो क्या करता है, मूव करता है, तब हम उस पथ के लिए क्या कहते हैं, सेंट्रल ऑर्बिट। आगे देखिए, अगला टॉपिक है इसी में डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट पोलर फॉर्म। तो पोलर फॉर्म में हमें क्या करना है, क्या फाइंड करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन सेंट्रल ऑर्बिट की। देखिए कैसे, ए पार्टिकल इज मूविंग इन प्लेन विद एक्सेलरेशन एफ विच ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स ए फिक्स्ड पॉइंट ओ इन द प्लेन टू फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ पथ। ठीक है, तो एक पार्टिकल मूव करता है, देखिए इस कर्व पर, ये हमने ओरिजिन फिक्स पॉइंट लिया है, ये एक्सेस लिए और ये कर्व। तो कर्व पर मान लो पार्टिकल पी पॉइंट पर है जिसके कोऑर्डिनेट आर कॉमा थीटा है, और इस पर एक फोर्स लग रहा है जो कि फिक्स पॉइंट की ओर है, जो कि हमने ये दिखाया है, और पार्टिकल इस पर मूव कर रहा है। ठीक, तो पी पॉइंट पर हमने टेंजेंट बनाया और इस टेंजेंट पर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ओ एन, जिसकी लेंथ है पी। ठीक है, अब देखिए इक्वेशन के लिए हम क्या करेंगे, वो थ्योरी लिखी हुई है जो हमने बनाया है, इक्वेशन ऑफ मोशन इन द रेडियल एंड ट्रांसवर्स डायरेक्शन। दो डायरेक्शन है आपके पास, एक रेडियल एक ट्रांसवर्स। तो रेडियल डायरेक्शन में आपको रेडियल एक्सेलरेशन पता होगा, डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस आर डी टी अपॉन डी टी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का एफ, क्योंकि ये फोर्स लगा हुआ है इस डायरेक्शन में एफ। ठीक है, और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन इसमें नहीं है, यानी जीरो है। तो ये ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है, आपको याद ही होगा, इसकी वैल्यू जीरो। ठीक है, क्या करेंगे, नंबर फर्स्ट दिया, सेकंड इसको दिया, सेकंड का हमने इंटीग्रल किया कैसे, वन अपॉन आर जीरो में गया, तो डी अपॉन डी टी दिस, इंटीग्रल करने पर डिफरेंशियल कैंसिल, ये रह गया, और जीरो का इंटीग्रल कांस्टेंट। हम जानते हैं इंटीग्रल करने के बाद हम क्या करते हैं, एक इंटीग्रल कांस्टेंट प्लस करते हैं उसमें, तो ये कांस्टेंट को हमने एच लिखा है इक्वेशन नंबर थर्ड। अब देखिए, इंटीग्रेट दीज, हमने ये लेट कर लिया कि आर इज इक्वल टू वन अपॉन यू, हम इसका डिफरेंशियल कर लें, क्या आएगा, और डी यू अपॉन डी टी को हम ऐसा लिख लें, डी यू अपॉन डी थीटा और डी थीटा अपॉन डी टी, डी थीटा से मल्टी डिवाइड कर लिया। ठीक है, डी थीटा अपॉन डी टी की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, आर स्क्वायर इसके नीचे एच अपॉन आर स्क्वायर, ये लिखा है फ्रॉम थर्ड, यहाँ लिख दिया एच अपॉन आर स्क्वायर, सॉल्व होकर ये आ गया। क्या किया है पता है, आर के प्लेस पर वन अपॉन यू लिखेंगे तो यू कैंसिल हो जाएगा, ये रह जाएगा माइनस एच डी यू अपॉन डी थीटा, फर्स्ट डेरिवेटिव आ गए। सेकेंड डेरिवेटिव ये हम डबल डिफरेंशियल करना पड़ेगा, जो कि किया है, या एच कांस्टेंट बाहर डी
टी अपॉन डी थीटा क्या किया है पता है, डी थीटा से मल्टी डिवाइड किया, तो डी थीटा डी अपॉन डी थीटा ये, और डी थीटा अपॉन डी टी ये मल्टी डिवाइड, तो इसका डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, माइनस एच डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर, और डी थीटा अपॉन डी टी की वैल्यू हमें पता है एच अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, तो सॉल्व होकर ये हो गया, वन अपॉन आर को क्या लिख लिया यू, ये टर्म हम इधर ले, इंटीग्रल और करना है भी एक बार, यहीं पर ही कर दे रहे हैं, क्या करेंगे, डी थीटा अपॉन डी टी एंड डी स्क्वायर यू अपॉन डी टी स्क्वायर, दोनों की ये वैल्यू हम पुट कर देंगे इक्वेशन जो सेकंड है उस फर्स्ट है उसमें, ये आ जाएगा, इसकी वैल्यू ये यहाँ लिख दी, माइनस आर डी थीटा अपॉन डी टी की वैल्यू एच अपॉन आर स्क्वायर माइनस, सॉल्व किया हमने इसको और ये आ गया। तो ये क्या हो गई सेंट्रल ऑर्बिट की डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको आपको डायरेक्ट याद करना है, ये प्रूफ हो गया, अगर प्रूफ करने को आती तो आप ये कर सकते। ठीक है, इसी पर डिपेंड है कि क्वेश्चन सॉल्व कर लें। फाइंड लॉ ऑफ फोर्स द पोल इफ पथ ऑफ पार्टिकल इज कॉर्डिनेट, तो ये क्वेश्चन है हमारे पास कॉर्डिनेट की, यू आर की जगह हम वन अपॉन यू लिख सकते हैं या यू के स्थान पर वन अपॉन आर, क्योंकि यू और आर में यही रिलेशन है, आर की वैल्यू यहाँ से ये लिख दी, टेकिंग लॉग ऑन द बोथ साइड। ठीक है, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू थीटा आप कर सकते हैं, तो इसको सॉल्व करके ये आ गया, कैसे, साइन थीटा का फॉर्मूला लिखा और कॉस थीटा का, टू कॉस स्क्वायर थीटा वाई टू माइनस वन, टू साइन थीटा वाई टू, टू कॉस थीटा वाई टू कैंसिल होकर ये आ जाएगा, यानी कि डी यू अबाउट डी थीटा सॉल्व होकर, हमें डबल डिफरेंशियल भी करना है, यू और ये दो फंक्शन है, यू को छोड़ यू का कर लिया, ये छोड़ दिया प्लस, यू छोड़ा टेन थीटा वाई टू का, ये हो गया डी यू अपॉन डी थीटा की ये वैल्यू यहाँ पुट कर दी, सॉल्व किया हमने तो ये आया यू प्लस डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर इक्वल टू दिस, कैलकुलेशन के द्वारा ये, तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, यू प्लस डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू एफ अपॉन एच स्क्वायर यू स्क्वायर, तो ये इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ये तो एफ इज इक्वल टू ये आ गया थ्री ए एच स्क्वायर यू फोर, यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं वन अपॉन आर, ये सब कॉन्स्टेंट है, तो एफ प्रपोर्शनल वन अपॉन आर, ये लॉ ऑफ फोर्स हो गया, ये पूछा गया था, यानी फोर्स क्या है प्रोपोर्शनल है फोर्स या एक्सेलरेशन वन अपॉन आर की पावर फोर। देखिए एक और क्वेश्चन समझ लीजिए, फाइंड लॉ ऑफ फोर्स इफ पथ पार्टिकल का ये आर इक्वल टू ये दिया है हमें, आर के प्लेस पर वन अपॉन यू लिख लिया, यानी ये हो गई सॉल्व होकर, क्या लिखा हमने यू के प्लेस पर वन अपॉन आर, टेकिंग लॉग ऑन द बोथ साइड, डिफरेंशियल इसका इसका जीरो, वन अपॉन यू डी यू अपॉन डी थीटा इसका ये, वन अपॉन कॉस कॉस का ये, डी यू अपॉन डी थीटा सॉल्व होकर ये आ गया, अगेन डिफरेंशियल फर्स्ट सेकंड का रूल अप्लाई किया, यू छोड़ा सॉरी यू का किया टेन छोड़ा प्लस यू छोड़ दिया टेन का टू सेक स्क्वायर टू थीटा, डी ओवर डी थीटा की ये वैल्यू यहाँ पुट की, तो ये हो गया यू टेन स्क्वायर टू थीटा प्लस टू यू दिस, क्या किया यू ये तो ये लिखा है टेन स्क्वायर टू थीटा को हमने दोनों तरफ u प्लस कर लिया है, तो ये sec स्क्वायर बन गया, तो
होगा यू sec स्क्वायर और 2u sec स्क्वायर 3u sec स्क्वायर। sec स्क्वायर की वैल्यू हमने इक्वेशन यहाँ से पुट की है, क्वेश्चन में दिया cos थीटा निकाल लेंगे, cos से sec, sec की वैल्यू हो गई 7 ये इधर मल्टीप्लाई हुई है तो इससे तो ये यू स्क्वायर ये मल्टी होगा यू की 7 हो गई और यू के प्लेस पर हमने 1/r लिख दिया तो ये हो गया 3h² ए की 4 r की 7। ये कांस्टेंट है f प्रोपोर्शनल 1/r की पावर 7। तो देखिए ये क्वेश्चन था हमारा, ये हम ऐसे भी कर सकते हैं u के लिए फंक्शन बना के और हम इसका डायरेक्ट डिफरेंशियल कर लें, लॉग लेके भी डिफरेंशियल कर सकते हैं और डायरेक्ट भी। तो ये एक कैलकुलेशन है, जैसा आपको इजी लगे वैसा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये लॉ फोर्स क्या होता है, जो एक्सेलरेशन है ये फोर्स है उस वो आर पर कितना डिपेंड है या किस फॉर्म में डिपेंड है। तो यहाँ ये जो है ना प्रोपोर्शन आर की पावर 7 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल,